भैया इसको यहाँ से ऐसे उधर से ना चल खरीद है समस्या चालू है और यहाँ कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भी बोल रहे तो वो कुछ जायज़ा ले रहे नहीं यहाँ का। और यहाँ हबीबपुरी सी नगर सेवक साहब जो तकरीबन 2 महीने से अधिकारियों को ला ला के बता रहे फिर भी वो कोई जायज़ा ले रहे नहीं। और तकरीबन यहाँ पे 8 साढ़े 8 बज रहे नहीं क्या, पूरा धुआं महल्ले में हो जा रहा, जैसे बच्चों को बीमारी और परेशानी हो रही और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही और दिख रहा भी कुछ भी नहीं। और यहाँ बाजू मस्जिद है और MACA ऑफिस है, यहाँ पर तकलीफ़ हो रही। बोल पिछले 2 महीने से बोले हम यहाँ पे ये आग लगा दे रहे ये लोगा, बच्चे बोलो या कॉरपोरेशन के बोलो। कॉरपोरेशन में कल में हमने गाड़ी भी लिया के फेंके लगे तो उसकी भी फ़ोटो देता मैं आपको। यहाँ जोन गवर्नमेंट 2 पे नगर सेवक अभी खुरेजी साहब और यहाँ के अधिकारी को भी बुला रहे मगर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखो कैसी आग लगी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ सामने पुलिस स्टेशन, उसके बाजू में MACB ऑफिस, पीछे वहाँ मस्जिद है, सामने इधर निज़ामगंज कॉलोनी। 8 साढ़े 8 बजे पूरे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है छोटे छोटे बच्चों को, इनको इनको कंटिन्यू धुआँ चालू है, ये 2 महीने से कंटिन्यू धुआँ चालू है। संजय कुलकर्णी फायर ब्रिगेड सिडको इंचार्ज, मैं 12:15 को कॉल आया था, उसके बाद हम इधर आके काम चालू कर दिए, आग बुझाने का काम कर दिए। इसके बाद हर रोज़ एक कॉल आता है इसका जी। क्या आग पर काबू पा लिया गया है? आग पर काबू पा लिया गया।